हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी इस कभी नो। ग्रिसेल्डा जो है ना भाई, ग्रिसेल्डा ब्लैंको, ये कोकेन की मायामी की गॉड मदर कहा जाता था उनको। तो इनके ऑलरेडी 4 एपिसोड्स की जो कहानी है ना भाई, मेरी जुबानी बहुत ही सस्पेंस थ्रिलिंग एंड मतलब कैसे वो यहाँ से यहाँ तक पहुँची, कितने के सारे खून कत्ल और पता नहीं क्या क्या करके, गैंग वॉर्स वगैरह करके वो यहाँ तक पहुँची। इसकी 4 एपिसोड्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर आ चुके हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। तो अब सुनते हैं आगे की कहानी। अब तक हमने देखा कि ग्रिसेल्डा जो है मायामी में ऑलरेडी राज कर चुकी है, उसके बहुत सारे दोस्त, प्रोस्टिट्यूट फ्रेंड्स, आर्थुरो और जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, काफ़ी लोगों यहाँ पे मर चुके हैं। और क्यूबन के जो बैंड जो लोग हैं ना भाई, उसकी एक काइंड ऑफ आर्मी उन्होंने बना ली है। और दारियो अभी उनका हस्बैंड हो चुका है और उनका एक बेटा भी हो चुका है। तो कहानी चली जाती है 3 साल आगे। भाई उनका बहुत बड़ा गैंग बन चुका है, जो मतलब कोकेन वर्ल्ड का हर एक चीज में वो मतलब अभी क्वीन कहना गलत नहीं होगा, वैसे वो राज कर रही है मायामी के हर एक मतलब गली गली में। भाई कोकेन अगर बिक रहा है तो वो बस ग्रिसेल्डा ही बेच रही है, वही एक मेन वहाँ की लीडर बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे सिंटेक जो एक पुलिस वालों ने एक डिपार्टमेंट फॉर्म किया था, जो पूरे बहुत बड़ी एक इन्वेस्टिगेटिव टीम ऑलरेडी लग चुकी है देखने के लिए। अब वहाँ तक जून जो है ना भाई, यहाँ वो इस टीम की एक बहुत बेहतरीन डिटेक्टिव है, तो वो पता मतलब उसको अब पता चल चुका है कि भाई कोई एक लेडी है, लेडी जो ये कोकेन वर्ल्ड पर राज कर रही है। यहाँ पे क्यूबन की जो भी बंदे वहाँ पे आए हैं भाई, उनको लगता है कि शायद जो भी उनको छत मिल रही है, खाना मिल रहा है और जो भी पैसा और अमीरी वो कर रहे हैं ना, वो सब सिर्फ ग्रिसेल्डा से मिल रहे हैं। इसलिए वो हर जो चीज़ जो ग्रिसेल्डा बोल रही है, चाहे किसी को मारो, कोकेन बेचो और जो भी करो, आपको जितना चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। तो उसकी बहुत एक तगड़ी आर्मी उन्होंने उनकी बन चुकी है। तो यहाँ पे जून भाई अब वो सोचती है कि उनको नाम तो पता चल जाता है, मतलब कोई तो है एक लेडी जो ये मतलब पूरा कोकेन वर्ल्ड पर राज कर रही है। तो अब उनको लगता है कोई एक ऐसा इन्फॉर्मर ढूंढना होगा जो एक्चुअल में हमें उनका अता पता और नाम बताएगा। तो जून और राहुल जो है ना, एक सेंटेक नाम का जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है ना भाई, उनको लीड कर रहे हैं। तो वो जाके एक बंदे को, एक इन्फॉर्मर को ढूंढते हैं, उसका पीछा करते हैं और उसको जाके पूछते हैं कि कौन है एग्जैक्टली, ऐसी कोई लेडी है क्या, अगर वो है तो वो उसका नाम क्या है। और वो इन्फॉर्मर उनको सब बात बता देता है। वो कहता है ग्रिसेल्डा ब्लैंको नाम की एक लेडी काफ़ी सालों से अब मायामी के कोकेन वर्ल्ड पर राज कर रही है। भाई ये नाम जून और राहुल मतलब जो सिंटेक वाले बंदे हैं उनके पास आ जाता है। और यहाँ पे मतलब जो दारी हुए है ना, उनकी बर्थडे पार्टी ग्रिसेल्डा अरेंज करती है। हाँ, बहुत अमीरी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे घर, सब होते हैं उनके पास। मतलब आप बस वो चीज़ बोलना वो उनके पास नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब अब सातवें आसमान तक ग्रिसेल्डा की चाहते पहुंच गई है। अब भाई उनको जो बेटा हो चुका है, तो अब दारियों को ऐसे डर लगने लगता है कि इस गैंग वर्ल्ड में भाई जो वॉर चल रहा है ना, उसमें शायद उनके बेटे को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो वो मतलब कहता है कि ये सब छोड़ छाड़ के हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ग्रिसेल्डा ये बात मानती नहीं है। उसे लगता है मैंने इतने खून पसीने से ये पूरा वर्ल्ड कमाया है, इतनी बड़ी मैंने ये पूरी टीम बनाई है और इतना मैं राज कर रही हूँ। उसको पावर का नशा हो जाता है। और ये नशा ऐसे मतलब सिर्फ पावर का नहीं, कोकेन जो लोगों को बेच रही है ना भाई, वो कोकेन का नशा उसे खुद पर भी होने लगता है। अब बीच बीच में कुछ गैंग वॉर्स हो जाते हैं, उसमें कुछ बंदे उसके भी मर चुके होते हैं। तो अब उसको पता चलता है कि किसी ने उसकी इन्फॉर्मेशन भाई पुलिस वालों को रिलीज़ कर दी है। दारियो भी उसको ये बात कंफर्म करता है कि हाँ, पुलिस तक ये बात पहुंच गई है। रीवी जो उसका बंदा रहता है, जो अलविकार का ऑलरेडी एक राइट हैंड हुआ करता था, वो भी उसकी टीम में फ़िलहाल काम कर रहा है। तो वो भी कहता है ये बात पक्की है कि पुलिस के पास तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है। अब ग्रिसेल्डा बहुत मतलब उसको लगता है कि भाई गॉड, कौन है ये बंदा जो मेरे खिलाफ उसने मुंह उठाया और पुलिस के पास जाने का, मतलब कौन ये करतूत कर रहा है। तो वो सब पे शक करना शुरू कर देती है और कोकेन का नशा उस पर ऐसे चढ़ता है, खुद भी वो नशे की लत में उसको लग जाती है। उस नशे में वो बहुत ज़्यादा उल्टे सुलटे डिसीजन लेने लगती है। कभी वो रीवी पे शक करती है, कभी दारियों पे शक करती है, और कभी कभी भाई वो खुद के बेटों को भी शक करना छोड़ती नहीं है। इसी बीच उसका बेटा भी एक ड्रग वाले रैकेट में फंस जाता है। तब उसका एक राइट हैंड होता है भाई, तो उसको वो उसके बेटे को हेल्प करना
मतलब वो नहीं करता है, तब भाई उसे भी वो मार देती है। तो बेटों को मतलब बेटों को भी लगता है कि ग्रिसेल्डा क्या बन रही है, हमारी मदर अब क्या से क्या बन रही है भाई, अपने जो राइट हैंड है उसको भी वो मार सकती है तो शायद वो किसी को भी मार सकती है। तो दारियो ये सोच के भाई उसे छोड़ के चला जाता है। उसकी जो फ्रेंड सबसे पहले उस जिसने मायामी में उसको हेल्प की थी कारमेन, भाई उसको जो जून हॉकिंस है ना डिटेक्टिव, वो मिलने जाती है और कहती है तू गवाह बन जा पुलिस वालों की तरफ से, और तू ग्रिसेल्डा की अगेंस्ट अगर हमें बयान देगी तो हम तुझे तेरा गुनाह बहुत कम कर देंगे। तो भाई मतलब अब ग्रिसेल्डा का कह सकते हैं नशा, पावर का नशा, पैसों का नशा और कोकेन जो लत उसको लग गई उसका नशा सिर चढ़ के बोलने लग रहा है। क्या मतलब ये कोकेन वर्ल्ड और ये नशा वो सरवाइव कर पाएगी, क्या दारियो और उसके साथ रहेगा या उसे छोड़ के चला जाएगा, रिवी और उनके साथ अब क्या हाल होगा, ग्रिसेल्डा का ये वर्ल्ड टूट जाएगा बिखर जाएगा या फिर से वो हिम्मत हार के एकजुट होके फिर से खड़ी रहेगी, ये देखने के लिए तो आपको एपिसोड 6 देखना पड़ेगा, जल्द ही मेरे चैनल पे आएगा जिसका नाम है कभी यस कभी नो। टिल देन बहुत सारी मूवीज देखिए ना, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।